नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी कुसुम। साल भर की बात है, एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई। मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ और मनचले। आगरे में मकान है, अच्छे कवि हैं, उनके कवि समाज में कई बार शरीक हो चुका हूँ। ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा। पेशा तो वकालत का है, पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में। आदमी जहीन है, मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुंच गए, इसलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं, लेकिन कचहरी के बाद अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है। अदालत की चारदीवारी के अंदर 4-5 घंटे वह वकील होते हैं। चारदीवारी के बाहर निकलते ही कवि हैं, सिर से पांव तक। जब देखिए कवि मंडल जमा है, कवि चर्चा हो रही है, रचनाएं सुन रहे हैं, मस्त हो कर झूम रहे हैं, और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर एक तल्लीनता सी छा जाती है। कंठ स्वर भी इतना मधुर है कि उनके पदबाण की तरह सीधे कलेजे में उतर जाते हैं। अध्यात्म में माधुर्य की सृष्टि करना, निर्गुण में सगुण की बहार दिखाना उनकी रचनाओं की विशेषता है। वह जब लखनऊ आते हैं, मुझे पहले सूचना दे दिया करते हैं। आज उन्हें अनायास लखनऊ में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आप यहाँ कैसे? कुशल तो हैं, मुझे आने की सूचना तक ना दी। बोले, भाईजान, एक जंजाल में फंस गया हूँ, आपको सूचित करने का समय ना था। फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूँ, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें। मैं एक जरूरी मामले में आपको कष्ट देने आया हूँ, इस वक्त की सैर तो स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए। मैंने घबरा कर कहा, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया, आप और विपत्ति कथा, मेरे तो प्राण सूख जाते हैं। घर चलिए, चित्त शांत हो तो सुनाओ। बाल बच्चे तो अच्छी बात तरह हैं? हाँ, सब अच्छी तरह है, वैसे कोई बात नहीं है। तो चलिए रेस्टोरेंट में कुछ जलपान तो कर लीजिए। नहीं भाई, इस वक्त मुझे जलपान नहीं सोचता। हम दोनों घर की ओर चले। घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलाया, शरबत पिलाया, इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की। कुसुम के विवाह में आप गए ही थे, उनके पहले भी आपने उसे देखा था। मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की जरूरत है, वह सब उसमें मौजूद है। आपका क्या ख्याल है? मैंने तत्परता से कहा, मैं आपसे कहीं ज्यादा कुसुम का प्रशंसक हूँ। ऐसी लज्जाशील, सुघर, सलीकेदार और विनोदनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी। महाशय नवीन ने करुणा स्वर में कहा, वही कुसुम आज अपने पति के निर्दय व्यवहार के कारण रो रो कर प्राण दे रही है। उसका गौना हुआ 1 साल हो रहा है। इसी बीच में वह 3 बार ससुराल आई, पर उसका पति उससे बोलता ही नहीं, उसकी सूरत से बेजार है। मैंने बहुत चाहा कि उसे बुलाकर दोनों में सफाई करा दूं, मगर ना आता, ना मेरे पत्रों का उत्तर देता है। ना जाने क्या गांठ पर गई है कि उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर ली। अब सुनता हूँ उसका दूसरा विवाह होने वाला है, कुसुम का बुरा हाल हो रहा है। आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सके, रात दिन रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है। इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान कर सकते हैं। जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जाती हैं। हमें ईश्वर ने पुत्र न दिया, पर हम अपनी कुसुम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धान्य मानते थे। उसे इतने लाड़ प्यार से पाला, कभी उसे फूल की छड़ी से भी न छुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई बात उठा न रखी। उसने बीए नहीं पास किया, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता और ज्ञान विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से कम नहीं। आपने उसके लेख देखे हैं, मेरा ख्याल है बहुत कम देवियां वैसे लेख लिख सकती हैं। समाज, धर्म, नीति, सभी विषयों में उसके विचार बड़े पुरस्कृत हैं। बहस करने में तो वह इतनी पटु है कि मुझे आश्चर्य होता है। गृह प्रबंध में इतनी कुशल कि मेरे घर का प्रायः सारा प्रबंध उसी के हाथ में था, किंतु पति की दृष्टि में वह पांव की धूल के बराबर भी नहीं। बार बार पूछता हूँ, तूने उससे कुछ कह दिया है या क्या बात है? आखिर वह क्यों तुमसे इतना उदासीन है? इसके जवाब में रो कर कहती है, मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं की। मेरा विचार है कि पहले ही दिन
दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया। वह कुसुम के पास आया होगा, उसने मारे शर्म के जवाब न दिया होगा। संभव है उससे दो चार बातें और भी की हो, कुसुम ने सिर न उठाया होगा। आप जानते ही हैं वह कितनी शर्मीली है, बस पतिदेव रूठ गए होंगे। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है, लेकिन दुर्भाग्य को कोई क्या करे। दुखिया के पति के नाम कई पत्र लिखे, पर उस निर्दयी ने एक का भी जवाब ना दिया, सारी चिट्ठियां लौटा दी। मेरी समझ में नहीं आता कि उस पाषाण हृदय को कैसे पिघलाऊं। मैं अब खुद तो उससे कुछ नहीं लिख सकता, आप ही कुसुम की प्राण रक्षा करें, नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके हाथ हम दोनों प्राणी भी सिधार जाएंगे। उसकी व्यथा अब नहीं देखी जाती। नवीन जी की आंखें सजल हो गई, मुझे भी अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला, आप इतने दिनों इस चिंता में पड़े रहे, मुझसे पहले ही क्यों ना कहा। मैं आज ही मुरादाबाद जाऊंगा और उस लौंडे की इस बुरी तरह खबर लूंगा कि वह भी याद करेगा। बच्चा तो जबरदस्ती घसीट लाऊंगा और कुसुम के पैरों में गिरा दूंगा। नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुरा कर बोले, आप उससे क्या कहेंगे। यह ना पूछिए, वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा। तो आप कदापि सफल न होंगे, वह इतना शीलवान, इतना विनम्र, इतना प्रसन्न मुख है, इतना मधुरभाषी कि आप वहां से उसके भक्त होकर लौटेंगे। वह नित्य आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा, आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी। आपके लिए तो एक ही साधन है, आपके कलम में जादू है। आपने कितने ही युवकों को सन्मार्ग पर लगाया है, हृदय में सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ आप कुसुम की ओर से ऐसा करुणाजनक, ऐसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वह लज्जित हो जाए और उसकी प्रेम भावना सचेत हो उठे। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। नवीन जी तो कवि थे ही, इस तजबीज में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व ही की प्रधानता थी। आप मेरे कई गल्पों को पढ़कर रो पड़े हैं, इससे आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर सपेरे की भांति जिस दिल को चाहूं नचा सकता हूं। आपको यह मालूम नहीं कि सभी मनुष्य कवि नहीं होते और न एक से भावुक। जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं, उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने ही सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी है, पर इन बातों का वह अवसर न था। वह समझते हैं कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सहृदयता से कहा, आपको बहुत दूर की सूझी और मैं उस प्रस्ताव से सहमत हूँ। और यद्यपि आपने मेरी करुणा उत्पादक शक्ति का अनुमान करने में अतियुक्ति से काम लिया है, लेकिन मैं आपको निराश न करूँगा। मैं पत्र लिखूंगा और यथाशक्ति उस युवक को न्याय बुद्धि को जगाने की चेष्टा भी करूँगा, लेकिन आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वह पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे थे। उसने पत्र तो लौटा ही दिए हैं, और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ नहीं डाला है तो उसके पास होंगे। उन पत्रों को देखने से ही मुझे ज्ञात हो पाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है। नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकाल कर मेरे सामने रख दिया और बोले, मैं जानता था कि आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसलिए इन्हें साथ लेता आया हूँ। आप इन्हें शौक से पढ़ें। कुसुम जैसी लड़की है वैसी ही आपकी भी लड़की है, आपसे क्या पर्दा। सुगंधित गुलाबी चिकने कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे स्वामी, मुझे यहाँ आए एक सप्ताह हो गया, लेकिन आंखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी। सारी रात करवटे बदलते बीत जाती है। बार बार सोचती हूँ मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जिसकी आप मुझे यह सजा दे रहे हैं। आप मुझे झिड़के, घुड़के, कोसें, इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़े, मैं इन सभी सजाओं को सहर्ष सह लूंगी, लेकिन यह निष्ठुरता नहीं सही जाती। मैं आपके घर एक सप्ताह रही,
परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। मैंने कितनी बार चाहा कि आपसे कुछ पूछूं, आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं, लेकिन आप मेरी परछाई से भी दूर भागते थे। मुझे कोई अवसर ना मिला। आपको याद होगा कि जब दोपहर को सारा घर सो जाता था तो मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती थी, पर आपने कभी आँख उठाकर ना देखा। उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी इसका कदाचित आप अनुमान न कर सकेंगे। मेरी जैसी अभागनी स्त्रियां इसका कुछ अंदाजा कर सकती हैं। मैंने अपनी सहेलियों से उनकी सुहागरात की कथाएं सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुखों का जो स्वर्ग बनाया था उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है? अदालत भी किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई न कोई अभियोग लगाती है, गवाहियां लेती हैं, उसका बयान सुनती है। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचेत हो जाती, आपके चरणों पर गिर कर कहती मुझे क्षमा दान दो। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। आप क्यों रुष्ट हो गए? संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो वो मुझ में न हो। बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी समाज की रीति नीति से परिचित नहीं, अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती हूँ। और भी कितनी त्रुटियाँ मुझ में होगी। मैं जानती हूँ कि मैं आपके योग्य न थी। आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती स्त्री मिलने चाहिए थी, लेकिन मेरे देवता दंड अपराधों को मिलनी चाहिए, त्रुटियों को नहीं। फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूँ। आप मेरी दिलजोई करें, फिर देखिए मैं आपकी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूँ। आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त, मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा। वह विभूति पाकर मेरी कायाकल्प हो जाएगी। स्वामी, क्या आपने सोचा है आप यह क्रोध किस पर कर रहे हैं? वह अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई है आपसे क्षमादान मांग रही है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है? मेरा दिल बहुत कमजोर है, मुझे रुलाकर आपको तो पश्चाताप के सिवा और कुछ ना हाथ आएगा। इस क्रोधाग्नि को एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफी है। अगर आपकी यह इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, केवल आपका इशारा चाहती हूं। अगर मरने से आपका चित्त प्रसन्न हो तो मैं बड़े हर्ष से आपको अपने चरणों में समर्पित कर दूंगी। मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि मुझ में 100 ऐब हों पर एक गुण भी है। मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी कोई स्त्री नहीं कर सकती। आप विद्वान हैं, उदार हैं, मनोविज्ञान के पंडित हैं। आपकी लौंडी आपके सामने खड़ी दया की भीख मांग रही है, क्या उसे द्वार से ठुकरा दीजिएगा? आपकी अपराधिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया। यह बात मेरे लिए असन्ना थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती? वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया। वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई चू भी नहीं कर सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है, स्त्री से कोई संबंध न रख कर भी उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है। वह जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है, उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से भी नहीं, केवल थप्पड़ से दे सकती है, तो उसे कभी इस बदतमीजाजी का साहस न होता। बेचारी स्त्री कितनी विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब उसकी 10 गुनी कठोरता से देता, उसकी छाती पर मूंग दलता, संसार के हंसने की जरा भी चिंता न करता। समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चू तक नहीं करता। उसके रोने या हंसने की मुझे जरा भी परवाह न होती। अरे अभागे युवक, तुझे खबर नहीं तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है। यह वह समय है
जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता भाई बहन सखियां सहेलियां सभी के प्रेम की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की क्षुधित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा। परिणाम वही होगा जो बहुधा होता है, अबला कुड कुड कर मर जाती है। यही वह समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है। स्त्री की प्रेम सुधा इतनी तीव्र होती है कि वह पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस हंस कर खेल कर सह लेती है। यही वह समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कोपले निकलने लगती है। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा। यही वह समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्या वो उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी कुसुम। धन्यवाद।